नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन इसके बारे में सविस्तर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। चले हम देखते हैं वृत्तांत लेखन का विषय। नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। बालिका दिवस, स्थल काल घटना प्रमुख अतिथि, अतिथि मनोगत मुख्य कार्यक्रम, इन सब मुद्दों के आधार पर हमें बालिका दिवस का वृत्तांत बनाना है तो हम सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें कौन सा भी आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे उसमें स्थल काल घटना यह प्रथम आनी चाहिए और उसके बाद प्रमुख अतिथि, उनका मनोगत, विद्यार्थी ने किस प्रकार कार्यक्रम किया, तो इसका क्रम से हमें क्या करना है, सब मुद्दों के आधार पर वृत्तांत लेखन लिखना है। तो सबसे पहले हम स्थल लिखेंगे। जो भी आपका गांव शहर होगा उस शहर का गांव का नाम आएगा। जिस स्कूल में आपका बालिका दिवस यह समारोह संपन्न हुआ उस स्कूल का नाम और किस तारीख को दिनांक को हुआ उस दिन की दिनांक लिखनी है और समारोह किसका बनाया था हमने बालिका दिवस या दूसरा कौन सा भी वृत्तांत लिखना है उसका नाम आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, मुलुंड मुंबई के कन्याशाला में 3 जनवरी 2023 को बालिका दिवस मनाया गया। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कन्याशाला के विद्यार्थियों द्वारा कई रचनात्मक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया था जिसकी मुख्य अतिथि वर्धा की यस जी निर्मला देवी यस थी। निर्धारित समय पर यस जी निर्मला देवी यस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुई। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, नारियल व पुष्पगुच्छ दे से उनका सम्मान किया। एसपी साहब ने बालिका दिवस पर महान फुले दंपत्ति को याद किया एवं सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयत्नों की सराहना की। सावित्रीबाई फुले के प्रयत्नों के कारण ही हम बालिकाएं सफलतापूर्वक शिक्षण ग्रहण कर पा रही हैं, यह कहकर उनको धन्यवाद ज्ञापन किया। हम सब शिक्षण की महिला को आगे बढ़ाए इसका संकल्प दिलवाया। शाला की बालिकाओं ने नाटक, लोक नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। संघ की प्रमुख छात्रा मीरा जैन ने आभार प्रकट किया। इस प्रकार कार्यक्रम का हर्ष उल्लास के साथ समापन हुआ। देखो, इस प्रकार आज हमने वृत्तांत लेखन में बालिका दिवस इस विषय पर हमने वृत्तांत लेखन किस प्रकार लिखना चाहिए इसकी हमने सविस्तर जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।